सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे श्रद्धेय युवा प्रधानमंत्री जी, आप हम सभी भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। ना केवल जय, ना केवल भारतीय युवाओं के लिए, आप देश के विभिन्न युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं, आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? हमें पता है कि आप योगा करते हैं, लेकिन आप हमें यह बताएं कि यह ऊर्जा हम भी अपने लाइफ में यूज करके देश हित के लिए आगे हम यूज करके अपनी देश हित के लिए काम कर सकें। आपकी यह ऊर्जा से इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से, डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं सर, एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल के उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे तुझे, मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तुम्हारा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए ऐसा हमारे देश में सरकारों ने रवैया अपनाया जिसमें लोग सरकारों पर आश्रित हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए, सरकार के बिना उनका गुजारा ही ना हो। मैं समझता हूं ये कंसेप्ट समाज को अपाहिज बना देता है, दुर्बल बना देता है। अगर गरीबी हटानी है तो हम गरीबों को शक्तिशाली बना करके ही हटा सकते हैं, न कि हम गरीबों को फीड करके कर सकते हैं।